तुझे कहाँ से मिला ये? जी वो मैं अमृतसर गया था ना, तो अपने नए फूलों के बीजों को एक्सपोर्ट करवाने, तो वहाँ बगल में जो सॉइल कंजर्वेशन का डिपार्टमेंट है ना, उसी के क्लर्क ने पकड़ा दी मुझे चिट्ठी। कहा कि अपने ग्राम पंचायत के प्रधान जी को दे देना, कुछ अर्जेंट है। वैसे अपने गाँव के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है ना, नहीं प्रधान जी? मैंने पढ़ी चिट्ठी। नहीं जी वो खुली हुई थी ना इसलिए, और इसमें तो साफ साफ लिखा है कि वहां कुछ भी नहीं बन सकता। सरकार को वहां सोना मिला है ना, इसलिए यहाँ का पूरा लैंड, यहाँ का सारा सोयल like a gold mine। तो पहले तो वहां खुदाई होगी, मिट्टी की जांच होगी, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। और कम से कम 6 महीने तो लग ही जाएंगे इस काम, और तब तक ये जमीन सरकारी कब्जे में रहेगी, है ना? पर हम कैसे मान लें कि चिट्ठी असली है और खबर पक्की है? अगर ऐसा होता तो कोई ईमेल तो आती ना उनकी तरफ से। जी वो लोग तो कह रहे थे कि क्यों ये ईमेल, आप चेक कर लो, शायद मिस ना हो गई हो। पप्पा जी स्यापा पा के बैठे हैं दिलप्रीत सिंह जी ग्राम पंचायत के आगे। वो कहते ने मेरी लाश से गुजर के जाओगे तो ही मिलेगी जमीन। बुड्ढे की आखिरी इच्छा पूरी कर दो कुशमन पाजी, नहीं तो वो नहीं हटेगा। ओए ऐसे कैसे नहीं हटेंगे, मैं जाकर देखता हूँ। अभी कोई नया ईमेल नहीं आया है? ये जरूर किसी ने मजाक करा तेरे साथ। सरकार की तरफ से अगर कोई ऑर्डर आता, ईमेल फीमेल कुछ तो आती ना, कोई भी नहीं आई। तू जाकर आराम कर और ये चिट्ठी छोड़ दे यहीं पर। कल सुबह दफ्तर में फोन करके पूछवा लूंगा। अभी तो खुशवंत सिंह के कागजों पर साइन करने जाना। ये सैनी ने अभी तक ईमेल क्यों नहीं भेजा? हाथ था ला के दिखा। भाई गॉड, तो पे चल जानी है। रिया पुत्र तू रहने दे, पीछे हट जा, इनके मुंह ना लगा, इनसे तो मैं आप पे निपट लूंगा। दादाजी की बात मानो बेटा, जाओ घर जाओ, रोटियां शोटियां बनाओ, सिलाई कढ़ाई करो, जाओ। मुझे तो नहीं आता अंकल, आपको आता है? आप सिखा दो, मैं कर दूंगी। अच्छा जाओ चाचा जी, जाकर आप भी अपना जन्मदिन मनाओ। आज इनका भी जन्मदिन है, आज तो मेरे डैड का भी जन्मदिन है। क्यों पुराने पीपल की तरह जड़े जमाए खड़े हो यहाँ पर? जाओ। ये पुराने पीपल खड़े हैं तभी आप जैसी बेलों को खाना पीना मिलता है, और वो फलती फूलती है खुशवंत सिंह जी। ओए ओए ओए, बहुत अच्छा किया तू भी आ गया। वैसे भी हमें एक गवाह चाहिए था जमीन के पट्टे के कागज पर साइन के लिए। ओए लाओ जी लाओ, आ जाओ। साइन करेंगे। लाओ भाई। चाचा जी साइन करिए। चाचा जी लीजिए। ओए ओए करके दिखाओ जमीन इसके नाम, करके दिखाओ। ऐसे ही सब पलट के रख जाना मैंने। ओए खबरदार, ये क्या तमाशा लगा रखा है आपने सरदार जी? जाओ घर जाओ, ये जमीन आपको नहीं मिल सकती। चाचा जी आपकी भी नहीं होगी। तो किसको मिलेगी? किसी को नहीं। ये जमीन अब सरकार की है, कम से कम अगले 6 महीने तक। ईमेल आई है मिट्टी वाले दफ्तर से, क्या कहते हैं उसे काके? सॉइल कंजर्वेशन। आहो वही। वाहिगुरु ने मेरी सुन ली। 6 महीने की मोहलत मिल गई मेरे को। अब इस जमीन पर अस्पताल बन के रहेगा। बचाओ। अगली बार अगर ये चाकू तेरे हाथ में दिखाई दिया ना, तो ना चाकू रहेगा और ना हाथ, समझा? चल निकलो सब, निकल। इसने बचा लिया आपको बाबूजी। तू कौन है पुत्र? I'm अमृता ब्रार। तू भी बरार है? जी। किसकी बेटी है तू? क्या करते हैं तेरे डैडी? डॉक्टर है। कहां से आई है तू? अमृतसर से बाबूजी, अमृतसर से। वहीं इसके पापा डॉक्टर है, छोटे मोटे वो जो झोला छाप नहीं होते वो वाले। दुकान तक नहीं है अपनी, गलियों में घूम घूम के डॉक्टरी करते हैं। अब बड़ी मुश्किल से गुजारा चलता है घर का, इसलिए बेचारी काम ढूंढ रही है और यहाँ भी इसी चक्कर में आई है। ओह अच्छा अच्छा, मिल जाएगा पुत्र, मिल जाएगा, कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। जी बाबूजी। बाबूजी आप और रिया घर जाओ, मैं इसको वहां छोड़ के आता हूँ जहाँ इसको जाना है। क्यों? अब खुद भी तो जा सकती है, इतनी दूर से भी तो अकेली आई है। हाँ पुत्र, वो अमृतसर से यहाँ आना और बात है, गाँव में घूमना और बात है। सही बात है। वो छोटी छोटी गलियां हैं, बेचारी गुम हो जाएगी। वीर पुत्र तू जा, तू इसे छोड़ के आ जिसके घर आई है। मैं और रिया कार को जाते हैं, तेरी बीजी राह देख रही होगी। चल आजा। क्या बात है दादाजी, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं पुत्र। नाक पे तो आपकी लाइट जल रही है, वो भी लाल वाली। मुझसे झूठ बोल रहे हो? नहीं होए, वो लड़की थी ना, वो कह रही थी कि उसके पापा डॉक्टर हैं और वो बरार हैं। मुझे लगा कहीं वो क्या? कहीं वो तेरे ताया जी की बेटी तो तार जी, आप कहाँ की बात कहाँ मिला देते हैं। पहले तो यही नहीं पता कि उनकी कोई बेटी है भी या नहीं, और अगर है भी ना तो उसकी इतनी हिम्मत वो यहाँ है कि इंडिया। मानता है जी तो आई नहीं कभी इतने सालों में। आप ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अगर उनमें से यहाँ कोई गलती से भी आ गया ना तो तुम पे जल जानी है। मैं हूं ना आपकी पहरेदार, किसी को नहीं आने दूंगी, सबको भगा दूंगी यहाँ से। जिन लोगों की वजह से मेरे दादाजी, बीजी और पापा जी की लाइफ में इतनी टेंशन हुई, जिन्होंने मेरी फैमिली को इतना परेशान किया, उनको मैं पिंड में तो क्या इंडिया में भी पैर नहीं रखने दूंगी। इतना प्यार करती अपने दादाजी से, बहुत ज्यादा। अपने बीजी के हाथों के छोले भटूरे या फिर उनकी आवाज में जन्मदिन का गीत, किसी की तो याद आती होगी तुझे मान। पुत्र जी, बीजी, जन्मदिन मुबारक हो पुत्र जी। ये देख, मैंने तेरे लिए क्या बनाया है। छोले भटूरे। चल अब मुंह खोल, मैं खिलाऊं। मैं कोई बच्चा हूँ बीजी, इतना बड़ा हो गया हूँ, मैं कब तक अपने हाथ से खिलाओगी। ओए शुदाई, मैं माँ हूँ तेरी और माँ ये रहूंगी। तू कितना भी बड़ा हो जाए, मेरे लिए तू बच्चा ही रहेगा। क्या यार आस्था, लाइफ भी ना क्या क्या दिखाती है। उस दिन उनके हाथ से खाना नहीं चाहता था और आज तरसता हूं उनके हाथ से खाने के लिए। आज भी सारी सिंपैथी तुम ही ले लोगे क्या मान? आज के दिन ऐसी बातें नहीं करते। खबर पड़ी? बड़ी खबर। थैंक यू आस्था बहन। ये रिकॉर्डिंग सुना के तुमने पुरानी यादें ताजा कर दी। जब यहाँ आया था तो सबकी आवाजें रिकॉर्ड करके आया था कि जब भी घर की याद आएगी तो उनकी आवाजें सुन लूंगा। किस्मत की बात है, सिर्फ आवाजें रह गई, चेहरे तो देखने को तरस गया। कितने दिनों बाद आए heard this voice। मासी, मासी, जय श्री कृष्ण। केम छो? Don't even ask। आस्था तुझे पता है क्या हुआ है? शू थयू? मैंने एक एंटीक पीस ऑर्डर किया था इंडिया के किसी एंटीक शॉप वाले से अपने क्लाइंट के लिए, और उसने अब तक वो पीस डिलीवर नहीं किया। और तो और वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। मासी मासी मासी, काम डाउन हुआ मुझे। ओके बाय। क्या हुआ? मासी एंड हर एंटीक्स, उन्होंने इंडिया से एक महारानी का स्टैचू ऑर्डर किया था जिसकी डिलीवरी लेट हो गई। एंड मासी इज वेरी अपसेट क्योंकि उन्होंने अपने क्लाइंट को सामने प्रॉमिस कर दिया था And that person in India, he's not even responding to her calls now. What? कौन है ये इंडिया का एंटीक डीलर जो इतना अनप्रोफेशनल है? जी, तारजी, क्या कर रहे हो आप लोग अंदर? मैं आ जाऊं क्या? बस 2 मिनट पुत्र। अब कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? स्पेलिंग ठीक लिखी है? हाँ जी, मैंने वीर से चेक करा ली थी। फिर ठीक है। पिछली बार याद है ना? रिया को कितना गुस्सा आया था कि हमने उसका ठीक से स्वागत नहीं किया। इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वीर ने तो कहा था अमृता को होटल छोड़ दिया, तो फिर ये यहाँ क्या कर रही है? हेलो, आपको भी पासपोर्ट चाहिए? गॉड, ये होटल वाला भी मना कर रहा है। एवरीबडी नीड्स डॉक्यूमेंट्स और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, नॉट इवन माय पासपोर्ट। यहाँ कहीं वॉशरूम है? बात करनी है मुझे तुमसे कोई जरूरी। चलो। आ जाओ पुत्र जी। दिलप्रीत सिंह सिंकिंग सर। डिफिब्रिलेटर। यस। प्रेशर। He's fine now. नई जिंदगी मिल गई सर दिलप्रीत सिंह जी को। इन दिलप्रीत सिंह जी ने आज डैडी से किया दिला थी। वो ठीक तो होंगे ना वहाँ? I'm sure कोई अपना होगा उनके साथ, उनका ख्याल रखने के लिए। Sorry. सॉरी, वो मैं वॉशरूम। थैंक यू। कौन है सरदार जी? ये अमृता है, बड़ी बहादुर बच्ची है। अच्छा अच्छा। सॉरी पुत्र जी। रिया पुत्र, हमको लगा कि हमारी पोती आई है। सुबह से बाहर बेंच पे मैं बैठी थी और वेलकम हो गया किसी और का। ओए कोई नहीं, तो क्या हुआ, तेरा भी हो जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये ले वेलकम हो। क्या कर रहे हो? क्या कर रही है? कोई तो बचाओ। वो बात से कर पुत्र, तू इसको छोड़ के नहीं आया जहाँ इसको जाना था। नहीं बाबूजी, एक्चुअली ना उसका सारा सामान चोरी हो गया और उसे जिससे मिलना था वो भी चंडीगढ़ गए हुए हैं, तो उसे ऐसे अकेले किसी होटल में छोड़ने की बजाय मैं घर पे ले आया। ठीक किया ना मैंने? बहुत अच्छा किया पुत्र, बहुत अच्छा किया। हाँ, फिर अकेली लड़की जाती कहाँ? आओ, पर वो रहेगी कहाँ? तेरे कमरे में। दार जी मेरे, आपको तो पता है ना कि मुझे अपनी कोई भी चीज शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तेरी मम्मी ने तो अपना कमरा बंद कर रखा है, नहीं तो वो ही दे देती। पर बीजी ठीक है, मैं उसे अपने कमरे में रख लेता हूँ। हाँ ठीक है, मैं कर लूंगी शेयर, पर सिर्फ रूम शेयर। ठीक है, मैं फिर कमरा रेडी करके आती हूँ। मैं भी जरा हाथ मुँह धो लूं पुत्र। है ठीक है, मैं भी बीजी की हेल्प कर देता हूँ। तुम ना पहले अपनी हेल्प करो, जल्दी से ना इसे चलता करो यहाँ से, वरना मैंने दादाजी को बता देना ये एनआरआई है और वो भी अमेरिका से। यार कल सुबह तक का तो वेट कर ले। दफा हो यहाँ से। बोल रहा हूँ। कपड़े रख के आनी है। सच्चे पास ऐसा क्या है इस जाली वाली अलमारी में? हाँ, पिनिया बनाई होंगी जो रोज एक एक करके देगी। ये छोले उसके लिए बनते थे हर हफ्ते, जो दगा दे के चला गया हमें। अब नहीं बनेंगे। खबरदार, जो उसकी पसंद की कोई भी चीज बनाई आज के बाद इस घर में। दादाजी, मुझे आपसे कुछ कहना था। आप पापा जी को ताया जी से एनओसी पे साइन कराने दो। गणों को निकलवाने के लिए तुम्हें अपने बड़े भाई मंदीप को यहाँ बुलवाना पड़ेगा या उससे एनओसी लेना पड़ेगा। मुझे इन दोनों में से कोई भी चीज मंजूर नहीं। तेरी दादी बुलाओ दादी को। अभी इसी वक्त उसको बोल के बाहर आ। ये छुपा रही थी ना तू मेरे से। क्या बात है, एक ही दिन में दो शिकार। वेलकम टू इंडिया मैडम जी। बस जी बस, बहुत हो गई आपकी होशियारी। अब मैं बताता हूं दोनों को। आज सुबह भी ऐसे ही एक लड़की का बैग चुराया था ना। नाम खराब कर रखा है देश का। और मैनेजर साहब आप भी पक्का मिले हुए हो ना इन दोनों से। करता हूँ आपकी भी पुलिस कंप्लेंट। नाजी नाजी, मैं नहीं। भागने का बहुत शौक है ना, चल फिर भगा के मारूं। पहले मुझे वो शाम वाली मैडम का सामान दे। सबका सामान दे दूंगा पाजी, प्लीज पाजी मुझे पुलिस में ना देना। मेरे घर छोटे छोटे बच्चे हैं, हम दोनों जेल चले जाएंगे, उनको कौन देखेगा। तुम्हारे जैसे माँ बाप होने से तो ना होना ही अच्छा है। मिल जाएगा उन्हें भी कोई भला मानस, जैसे मुझे मिल गया। बंदे बन जाएंगे तुम्हारे बच्चे। पाजी ये देखिए, मैडम के पर्स में तो पासपोर्ट का दुकान है। अमृता मनदीप सिंह ब्रार। आपका नाम क्या है? अमृता ब्रार फ्रॉम न्यूयॉर्क। किसकी बेटी है तू? क्या करते हैं तेरे डैडी? डॉक्टर है। व्हाट? मेरे डैड न्यूयॉर्क के टॉप 10 हार्ट सर्जन में से एक है। छोले देख के ना दिमाग खराब हो गया था मेरा। हाँ सॉरी, ओए माफ कर दे मुझे मेरे बीबा पुत्र। अच्छा, एक बात और बोलता हूँ मैं तेरे को। अब तू जो भी कहेगी ना मैं वही करूँगा, पक्का करूँगा। पहली चीज, मुझे छोड़ के जिनका भी दिल दुखाया है उसे ना उससे नहीं मैं माफी मांगूंगा, बिल्कुल नहीं मांगूंगा। वो गलती तो की है उसने, पर इतनी छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा बीजी को। लाडी प्लीज। अच्छा सॉरी मत बोलना, लेकिन मनाना तो पड़े। कैसे? मेरे पास आइडिया है। और नहीं होए ना, और जो 25 साल से नहीं हुआ वो अब भी नहीं होगा। पर आपने मुझसे अब भी तो प्रॉमिस किया कि मैं जो भी बोलूंगी आप मानोगे। हेलो के एंटीक्स। हाँ जी। जी मैं यूएस से गायत्री पटेल की नीस बोल रही हूँ। सॉरी मैंने आपको इतना लेट कॉल किया। नहीं जी इट्स ओके। सॉरी तो मैं हूँ जी, मैं मैडम को ऑर्डर नहीं डिलीवर कर सका। अब आपने कुछ सुनाना है या डांटना बाकी रह गया जो फोन किया? मैंने दिल से सॉरी बोल दिया था जी। अब इससे ज्यादा कोई क्या कह सकता है जी, जबकि उसका अपना इतना बड़ा नुकसान हुआ हो। जी नहीं, मैंने आपको डांटने के लिए कॉल नहीं किया है। आपको एडवांस चाहिए था ना, मैं भिजवा रही हूँ आपको एडवांस, बट आप जल्द से जल्द वो दूसरा स्टैचू मासी को भिजवा दीजिएगा। आई मीन इट विल बी अ सरप्राइज फॉर हर। आप भिजवा देंगे ना? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल भिजवा दूंगा जी, मैं तो डिस्काउंट भी दूंगा जी आपको। जी थैंक यू सो मच, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा जी, आप जैसे लोग भी होते हैं इस दुनिया में। आप सामने होता ना जी, मैं पैर छू लेता आपके, आपको पता नहीं है जी आपने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है भाभी जी। थैंक यू जी, थैंक यू। मूर्तियों के अलावा अगर आपको और कुछ भी चाहिए तो बताओ जी, कुछ भी मैं आपके लिए कर सकता हूँ तो बताइए। नहीं नहीं कुछ भी नहीं, कुछ तो बोलिए कुछ। एक्चुअली आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, तो आप प्लीज उनकी लंबी और हेल्दी लाइफ के लिए प्रार्थना कीजिएगा। अरे वाह, ये तो पहली बहुत अच्छी बात है जी। बड़े भाई साहब को मेरी तरफ से ना हैप्पी बर्थडे बोलना जी, कहना कि छोटे भाई ने हैप्पी बर्थडे विश किया। तुम जियो हजारों साल, साल पे दिनों 1,00,000 जी। थैंक यू जी, हैप्पी बर्थडे भैया को। किसी अमेरिकन ने वो पहली बार मेरी हेल्प की है, ये तो कमाल हो गया। मान, छोटे भाई ने आपको बर्थडे विश किया। जी कहाँ चले गए थे आप? दार्जी का बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करना? बर्थडे बाबूजी का पिछले 25 साल में जो जादू नहीं हुआ वो आज कैसे हो गया? All thanks to me. रानी जी कैसा लगा ये? आहो प्रीतो, बहुत सोना लग रहा भाई। आजा वीर पुत्र। वाह प्रीतो, क्या ये जानती है घर किसका है? Does she know the truth? क्यों आई है यहाँ? अब केक काट ले, पहले गेम्स बाद में खेल लेंगे। और चल भूख मार। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मान। ये क्या अचानक फिर से? आई डोंट नो, वो एंटीक स्टोर वाले भाई साहब को पैसे देकर ना बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। आई फील लाइक dancing. मैं मुंह खोल। मुंह खोल जल्दी। मुझे कुछ पूछना है तुमसे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.